नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएगा आप किस तरह से जो है अपने स्मार्टफोन में बहुत आसान तरीका से एक क्लिक में अपने व्हाट्सएप के लिए स्टेटस बना पाएंगे। दोस्तों तो आज का स्टेटस कुछ इस तरह का होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस तरह की स्टेटस अपने स्मार्टफोन से बनाना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों और एक बात बता देता हूँ आपको, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए जो है आपको आपका डाटा जो है ऑन होना चाहिए। दोस्तों तो चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे दोस्तों आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। दोस्तों उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने, कुछ इस तरह का एड भी आ सकता है, तो आपको जो है कट वाले पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये टेम्पलेट या इफेक्ट है, दोस्तों इसमें बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं जो आप अपने स्टेटस को बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। दोस्तों तो चलिए मैं दिखा देता हूँ इसमें स्टेटस किस तरह का बनता है। दोस्तों तो मैं आपको एक कुछ इस तरह का एक दिखा देता हूँ बना के, इस पर जो है इस इफेक्ट पर मैं बना दिखाता हूँ। तो जस्ट वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको मेक वीडियो पे टैप कर देना है। दोस्तों उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, तो आपको फ्री वाले पे टैप कर देना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा दोस्तों, तो आपको जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है। दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का एड आता है दोस्तों, तो आपको जो है 30 सेकंड या फिर 15 सेकंड का देखने को मिल जाएगा, तो आपको जो है पूरा एड को देख लेना है कुछ इस तरह से। तो हम देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे इसका जो है सेकंड या फिर टाइम जो ख़त्म हो जाता है, तो इसमें आपको कट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको जस्ट कट कर देना। उसके बाद आपका जो भी गैलरी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक और फीचर है कि इसमें जो है वीडियो बनाने के लिए आपको 19 पिक्चर जो है सेलेक्ट करना होता है, तो चलिए हम 19 पिक्चर या फिर फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो आप भी अपने पिक्चर को कुछ इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लें। दोस्तों मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आपको ओके वाले पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेसिंग हुआ और आपका जो है वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा वीडियो जो है बनकर तैयार हो गया। तो आपको जो है डाउनलोड करने के लिए जस्ट इस पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोस्तों, तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको जो है 15 से 20 सेकंड जो है आपको वेट कर लेना है, तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों दोस्तों हमारा वीडियो जो है डाउनलोड होकर कंप्लीट हो गया है। दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों इसका जो वाटर दोस्तों इसके बाद जो है इसका वाटर मार्क रिमूव करने के लिए आपको एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी काइन मास्टर। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, उसके बाद जो है आपको अपना काइन मास्टर ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। दोस्तों उसके बाद जो है इस पर क्लिक कर देना है प्लस वाले पे, और 9 और 16 का रेजोल्यूशन आपको ले लेना है कुछ इस तरह से। दोस्तों उसके बाद जो भी वीडियो जो है हमने वहाँ से डाउनलोड किया था उसको आपको मीडियम जाना है। उसके बाद मीडियम जाने के बाद आपको कुछ बीट का ऑप्शन आ जाता है उस एप्लीकेशन का नाम, तो उस वाली वीडियो को जो है डाउनलोड किया उसको ले लेना है कुछ इस तरह से। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे जो है इसका वाटरमार्क दिख रहा है, इसको रिमूव करने के लिए दोस्तों इस वीडियो पे टैप करना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद दोस्तों इधर आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इसका साइज को जो है कुछ इस तरह से जो है बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों आपको इस वाले पे कुछ इस तरह से क्लिक कर देना है। दोस्तों अब देख सकते हो दोस्तों वीडियो जो है बनकर तैयार हो गया है, इसका जो वाटर मार्क है दोस्तों ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है। दोस्तों इसे जो है डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है और शेयर वाले पर क्लिक करने के बाद इसको एक्सपोर्ट आप कितना भी रख सकते हो, HD या फिर 720 पिक्सल, उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना है दोस्तों कुछ इस तरह से। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।